अध्यक्षता कर रहे हैं बंटी यादव जी। मंच पर उपस्थित बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश साहनी जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव जी, गुड़वा के विधायक विनय यादव जी, पूर्व विधायक शिव बच्चन यादव जी, प्रवीण शर्मा जी, राजकिशोर साहनी साहब जी, सुभाष यादव जी, संजय बिंद जी, प्रोफेसर मुन्नीलाल जी, राजकुमार साहनी जी, मुकेश केवट जी, धर्मेंद्र बिंद जी, पिंटू साहनी जी, अजय जी, धीरज साहनी जी, पार्टी में औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र जी और सभी यहाँ चंद्रवंशी जी, सब लोग यहाँ बैठे हैं। महागठबंधन के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे पदाधिकारी गण, हल्का पीछे हो जाए, सभी हमारे पदाधिकारी गण, सब लोग टिकारी के दूर दराज से आए हुए सभी अभिभावक, बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी, मीडिया के दोस्तों, आप सब लोगों का इस चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाई अभय कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाया है महागठबंधन के तरफ से। इनके हाथ में लालटेन थमाने का काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औरंगाबाद की जनता, टिकारी की जनता एक तरफा होकर मजबूती के साथ इनको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। अरे जिताना है कि नहीं जिताना है? चुपचाप जोर से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। आप लोग सब लोग जान रहे, चाचा जी तो पलट गए, लेकिन जहां भी रहे स्थिर रहे, खुश रहे। बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया उनको। हम लोग दोबारा भाजपा को लात मार के आए थे तो हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया और यही नीतीश जी ने, चाचा जी ने कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज टिकारी की जनता, महान जनता के बीच आए, कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, हम मुद्दे की बात करने आए। यही विधानसभा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला था। 2020 में हमने आप सब लोगों से वादा किया था कि आपका भाई बेटा अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। और जब मुख्यमंत्री जी आए भाजपा को लात मार करके, तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा कि हमने कमिटमेंट किया है तो तेजस्वी नौकरी देगा। और 17 महीने में केवल उप मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन अभी भी कितनी बेरोजगारी है, कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताइए। पढ़ लिया, लिख लिया, डिग्री मिल गया, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि हमने के असली दुश्मन बात तो बेरोजगारी है बा।